हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंशियंट बिहार देख लिया था, प्राचीन बिहार, और प्राचीन बिहार में देखा था कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार कहाँ है, मगध, मगध इस क्षेत्र में है, यहां पे है, यानी कि मगध की जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति थी वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो स्वाभाविक बात है स्टोन एज का इफेक्ट तो यहां दिखाई देता है, प्लेट्यू रीजन में, पठारी क्षेत्रों में, गंगा घाटी में बहुत सारे साक्ष्य खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो जो कि बिहार का मतलब हो गया, बिहार मीन्स बिहार एंड झारखंड, तो झारखंड वाला क्षेत्र, प्राचीन मगध, तो इसमें एंशियंट इंडिया में जो स्टोन एज के बाद डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है पाषाण काल के बाद, वो वैदिक काल का डेवलपमेंट है, वैदिक काल का विकास हुआ। और वैदिक काल में भी ऋग वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक तो यहां है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस क्षेत्र में, सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में। तो स्वाभाविक बात है वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद का डेवलपमेंट होता है, महाजनपदा, और उसमें देखिए अंग वो मगध और वज्जी, ये इनका विकास हुआ, इसी में से राइज ऑफ मगध हुआ, मगध का विकास हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ, राइज ऑफ मगध, हरियक, शिशुनाग, नंदवंश, और उसके बाद तब आए मौर्य। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुम्हरार पार्क में जो उसका उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, रिमेनिंग्स ऑफ दैट पीरियड, अशोक के शिलालेख तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होते हैं, इन होल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अशोकाज एडिक्ट वेयर फाउंड। और उसके बाद मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल की बात जब करते हैं, तो मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा ये क्षेत्र उपेक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस समय बिहार वाला, ये मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है और ये पश्चिमोत्तर वाला जो पार्ट है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गया, कन्नौज शक्ति का केंद्र आ गया, यानी पाटलिपुत्र का पतन है, कन्नौज शक्ति के केंद्र में चला गया। और तब जो है, नहीं मौर्योत्तर नहीं, मौर्योत्तर के बाद, मौर्योत्तर के बाद गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये तीनों काल में देखते हैं इसमें थोड़ी सी कम चर्चा है। फिर गुप्तोत्तर के बाद पाल शासकों ने क्या किया, इस क्षेत्र में जो एक मजबूत स्थिति अपनी दर्ज की, जो इम्पोर्टेंट रोल तब क्या है, यहीं से शुरुआत होती है मध्यकाल की, मीडियेवल इंडिया की। तो मध्यकालीन भारत जब हम लोग करेंगे तो पाल वंश से शुरुआत करेंगे, जो पूर्व मध्यकाल का भाग है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकालीन भारत को, मीडियेवल इंडिया इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तो मध्यकालीन भारत को तीन भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। तो जब हम बिहार की भी बात करेंगे, मध्यकालीन बिहार की, तो हम लोग ये पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल के अंतर्गत जो पाल वंश के शासक और सेन वंश के शासक जिन्होंने बंगाल बिहार के क्षेत्र पर अधिकार किया, शासन किया, तो उनके समय में फिर बिहार का राइज होता है, और इसी समय में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पाल शासकों से मध्यकालीन बिहार की शुरुआत होती है। तो सबसे जो पहला सेक्शन हमारा होगा वो पाल वंश। तो आठवीं शताब्दी के मध्य में एकदम, अब एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते जाना है, क्योंकि बिहार के इतिहास वाली क्लास का मुख्य मकसद मेरा एक ही है कि आप चीजों को क्लास के स्तर पर ही दिमाग में डाल लीजिए। मेटेरियल है घर में, लेकिन क्या होता है कि पढ़ नहीं पाते, स्टार्ट करते हैं, इतना फैक्ट है छोड़ देते हैं। तो कुछ कुछ चीजों पर फोकस करना, चीजें सब पता है। आठवीं शताब्दी के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ 18th century, तो आठवीं शताब्दी के मध्य में, आठवीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 750, ये याद रखिएगा। जब आठवीं शताब्दी कहते हैं ना तो 701 से 800, 701 से 800, आठवीं शताब्दी का यही मतलब है। तो जब हम लोग आठवीं शताब्दी की बात करते हैं, 18th century की बात करते हैं, तो 18th century मीन्स
मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की. पाल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल. पाल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 750 ईस्वी. और इसी में मैंने बताया भी था, मीडिएवल इंडिया भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो वहां पर बताया था गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल. और देवपाल के समय में, तो यहां पर याद रखेंगे, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार, एक बौद्ध स्थल, बौद्ध प्लेस, बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया. 5 गांव की आय, इनकम ऑफ 5 villages वेयर गिवेन टू बलपुत्र देव. बलपुत्र देव को दिया गया. बलपुत्र देव शैलेंद्र डायनेस्टी का रूलर था और जावा सुमात्रा में श्री विजय एक क्षेत्र है, श्री विजय का शासक था. श्री विजय के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को 5 गांव की आय दान में दिया था देवपाल ने. क्लियर? तो देवपाल ने दिया. और इसी में पाल वंश का शासक हुआ रामपाल. रामपाल के समय में, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर्नाट वंश मिथिला क्षेत्र में. तो रामपाल के शासन काल में मिथिला तिरहुत प्रमंडल में कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नन्यदेव शासन काल क्या है, 1097 से 1147 था, जिसने नेपाल काचीय क्षेत्र को जीता था, नेपाल क्षेत्र को विजित किया था. नेपाल रीजन वेयर डिफीटेड बाय नन्यदेव. एंड कर्नाट डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नन्यदेव. नन्यदेव के द्वारा कर्नाट वंश की स्थापना की गई मिथिला क्षेत्र में, जो प्राचीन विदेह की राजधानी मिथिला. तो मिथिला क्षेत्र में मतलब कि तिरहुत क्षेत्र में, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत. ये भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथिला प्राचीन मिथिला या विदेह, प्राचीन विदेह, विदेह गणतंत्र किस प्रमंडल के अंतर्गत, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत, एक क्वेश्चन दे सकता है. अब देखिए, इसमें नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था. किसने जीता था? नन्यदेव ने. नन्यदेव ने स्थापना की थी कर्नाट वंश की. और इसमें पाल शासक कौन है? रामपाल. रामपाल के ही दरबार में संध्याकर नंदी था, जिसने कि रामचरित पुस्तक की रचना की. रामचरित मतलब ये रामपाल का चरित, ये भगवान राम का चरित नहीं है. रामचरित का मतलब है रामपाल का चरित, रामपाल का जो है बायोग्राफी ऑफ रामपाल. तो नेक्स्ट देखते हैं और पाल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट हुए धर्मपाल. पाल वंश में धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना भागलपुर क्षेत्र में, महाविहार की स्थापना. और औदंतपुरी कहाँ? नालंदा क्षेत्र में. औदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के केंद्र बने. जगदल और औदंतपुरी किसके काल में? धर्मपाल के काल में. हालांकि औदंतपुरी के बारे में बोला जाता है कि इसकी नींव गोपाल ने ही रख दी थी, धर्मपाल और देवपाल ने इसको पूर्ण किया था. लेकिन ये जो बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में कौन कौन विकसित हुआ? विक्रमशिला, औदंतपुरी जगदल. जैसे क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ, तो पाल वंश के शासकों के दौरान ये तीन हुआ, औदंतपुरी, जगदल और विक्रमशिला. अभी हाँ, देखिए कुछ चीजें हैं जहां पर कि आप बाद में सर्च कीजिएगा. अभी हाँ, ये जो नालंदा वाले क्षेत्र में है, तो इसमें मतलब तीन नाम आता है, औदंतपुरी, जगदल और एक विक्रमशिला. विक्रमशिला वाला जो क्षेत्र है, ये आप बिहार में मध्यकालीन बिहार हम लोग कर रहे हैं, मीडिएवल बिहार कर रहे हैं. लास्ट क्लास में, यानी हम लोगों ने लास्ट बैच में, ये लास्ट वीक में क्या किया था, प्राचीन बिहार का इतिहास किया था. आज मध्यकालीन बिहार का इतिहास करते हैं. और मध्यकाल की शुरुआत, जैसा कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल से, उसी तरह से मध्यकालीन बिहार की भी शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल से, प्री मीडिएवल से. और पूर्व मध्यकाल में जो पहला महत्वपूर्ण वंश है वो पाल वंश है. और पाल वंश के द्वारा बिहार क्षेत्र में मतलब बंगाल बिहार क्षेत्र में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की. तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, इसको याद कर लेना है. गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, पाल वंश की. और देवपाल, पाल वंश से संबंधित ये तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि गोपाल के बाद हुआ, गोपाल
धर्मपाल, देवपाल और रामपाल, ये चार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है रामपाल, जिसमें कि देवपाल ने शैलेंद्रवंशी, जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए, मतलब 5 गांव की आय अनुदान में दिया। इनकम जो हो रहा था वो उनके टेक केयर के लिए, देखरेख के लिए दिया गया। रामपाल के समय में मिथिला में, तिरहुत के मिथिला तिरहुत में कर्नाट वंश की स्थापना की गई। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नन्यदेव। नन्यदेव पूछा हुआ, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नन्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक है और इसने नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था, यानी मिथिला से नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना, यह भी पूछा हुआ कर्नाट वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी, तो मिथिला क्षेत्र में। इसके बाद पाल वंश का जो सबसे पॉपुलर शासक हुआ, सबसे शक्तिशाली तो देवपाल था जिसने 5 गांव की आय दान में दी, सबसे पॉपुलर शासक हुआ धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और ओदंतपुरी के महाविहार की, महाविहार में ओदंतपुरी महाविहार जिसकी स्थापना किया था गोपाल ने, तो ओदंतपुरी महाविहार में तो उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ओदंतपुरी और जगदल यानी बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। इसी काल में निर्मित हुआ गहरवाल वंशी। अब इसके बाद देखिए, इसी टाइम पीरियड में गहरवाल वंश की चर्चा, गहरवाल वंश के शासक कहाँ थे? कन्नौज, बिंदी वाले क्षेत्र में, इन द बिंदियन रीजन, इन द कन्नौज रीजन, यूपी। तो गहरवाल वंशी गोविंद चंद्र गहरवाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था, हालांकि सबसे पॉपुलर शासक हुआ जयचंद्र। तो गोविंद चंद्र के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरुष्क दंड क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी, तो याद रखिएगा। यूपीएससी में बहुत पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी के स्तर पर, जो यूपीएससी में सिंपल टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है तो वो भी बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तुरुष्क दंड नामक टैक्स यहां से कलेक्ट किया गया था, तो तुरुष्क दंड नामक कर यहां के किसानों से प्राप्त किया था किसने? गहरवाल वंशी गोविंद चंद्र के समय में। तो गोविंद चंद्र का एक मिलता है मुंगेर ताम्र पत्र, और इसमें क्या है कि यहां से के किसानों से प्राप्त होता था, जिससे तुर्की आक्रमण को रोकने के साधन प्राप्त होते। मतलब यह कि तुर्की शासन को रोकने के लिए जो टैक्स का कलेक्शन हुआ था, चूंकि राजपूत काल के समय में, इसी समय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जो तुर्की शासन को रोकने के लिए, तुर्की आक्रमण को रोकने के लिए, आपने ये भी देखा था कि राजपूतों का संघ बनाया गया था, हिंदूशाही वंश के शासकों ने राजपूतों का संघ बनाया था। तो इसी समय एक टैक्स कलेक्ट किया गया था यहाँ के किसानों को, तुरुष्क दंड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक सबको पता है, देवपाल बलपुत्र देव, देवपाल ने दान दिया था, मतलब आय दान दिया था बलपुत्र देव को। तो बलपुत्र देव कौन है? जावा सुमात्रा के शैलेंद्रवंशी शासक, श्री विजय का शैलेंद्रवंशी शासक है बलपुत्र देव, उसको दिया था। तीसरा पॉइंट हो गया, रामपाल के समय में कर्नाट वंश की स्थापना हुई, रामपाल पाल वंश का शासक है, कर्नाट वंश की स्थापना मिथिला में नन्यदेव ने किया था। इसके बाद पाल वंश का शासक धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी सबको पता है, ये बहुत पॉपुलर है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी और ओदंतपुरी और जगदल में विश्वविद्यालय बनवाया था। तो जगदल और ओदंतपुरी वर्तमान बिहार और वर्तमान बंगाल का जो क्षेत्र है वो जगदल, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुए। और तुरुष्क दंड नामक कर किसानों से वसूला गया था गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्र पत्र के अनुसार। तो मुंगेर ताम्र पत्र किसने जारी किया था? गोविंद चंद्र ने मुंगेर ताम्र पत्र, तो मुंगेर कॉपर इंस्क्रिप्शन, और ये जारी किया गया था इशूड बाय गोविंद चंद्र गहरवाल रूलर। और इसमें क्या है, तुरुष्क दंड नामक कर यहाँ के किसानों से वसूला गया, जो संभवतः तुर्की आक्रमण को रोकने का प्रयास था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी में इब्न बख्तियार खिलजी, आप लोगों को पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इब्न बख्तियार खिलजी, एक चीज याद रखेंगे कि
भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये दो प्रमुख रहे मोहम्मद गौरी के सिपह सालार, जिन्होंने तुर्की शासन को विस्तृत रूप दिया, क्लियर। तो तुर्की शासन को विस्तृत रूप देने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है इब्न बख्तियार खिलजी। आप देखेंगे कि जो भारत में तुर्की शासन की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, और मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख सेनापति थे, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, दिल्ली पर, दिल्ली अजमेर पर अधिकार कर लिया था पृथ्वीराज चौहान को हराकर, और मोहम्मद गौरी के विजय अभियान को दोनों साइड बढ़ाया, इधर ऐबक ने गुजरात को जीता और बंगाल को जीता था बख्तियार खिलजी ने, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बख्तियार खिलजी ने, और यही बख्तियार खिलजी है, हाँ बख्तियारपुर, और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को जीता था, 1196 में जीता था, और इसीलिए ये काफ़ी प्रिय था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो इसका साम्राज्य चार भाग में बटा, तो यलदौज और कुबाचा इस साइड रहे, ऐबक को दिल्ली से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र मिला, और बख्तियार खिलजी इधर ही बिहार बंगाल में रहा, इसकी इसका इंटरेस्ट इधर से जाने का नहीं था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि 12वीं 13वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया, जिसमें तुर्की शासन के युग का युग आरंभ हुआ। कर्मनाशा के आगे, कर्मनाशा किसकी सहायक नदी, वो गंगा नदी तंत्र का ही एक भाग है, तो गंगा नदी तंत्र का भाग है, तो पूर्व की ओर विस्तार किया, बिहार तक के क्षेत्र में आया, और इसमें जो है सो सफल अभियान करके बिहार में तुर्की शासन की शुरुआत करता है कौन, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सिपह सालार था, उसका सेनापति था। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने औदन्तपुरी बिहार, बिहार शरीफ को 1198 ईस्वी में जीता, 1198 में जीता औदन्तपुरी बिहार को, यही औदन्तपुरी बिहार, बिहार शरीफ का क्षेत्र। 1203-4 में उसने नदिया पर चढ़ाई किया, नदिया मतलब बंगाल, नदिया जिले से ना कौन थे वो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ पर नदिया जिले पर अभियान किया, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, सेन वंश हम लोग कर चुके हैं, लक्ष्मण सेन की राजधानी थी कौन, नदिया, इस पर चढ़ाई किया किसने, बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश के समय में, ये भी एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया, बिहार पर अधिकार किया तथा शासन इजुद्दीन तुगरिल तुगान खां, जिसे तुगरिल दिया रहता है ज्यादातर जगह पर, दिया रहता है इवाज को हटा कर तुगरिल को गद्दी पर बैठा था, तुगरिल को प्रदान किया। बिहार की राजधानी तुगलक काल में बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ थी तुगलक काल में, और इस काल में सबसे प्रसिद्ध प्रशासक हुआ था मलिक इब्राहिम, जो मलिक बयां के नाम से कौन जाना जाता है मलिक इब्राहिम। क्लियर, एकदम एक एक चीज को दिमाग में बैठाते जाइए। तुर्की शासन की स्थापना बिहार में किसने किया, इब्ने बख्तियार खिलजी ने, यानी बख्तियार खिलजी ने किया। इसी ने क्या किया कि कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया, यानी बिहार तक के क्षेत्र को जीता, तुर्की शासन की शुरुआत की, और इसने औदन्तपुरी बिहार को 1198 में जीत लिया, बिहार शरीफ को 1198 में जीत लिया, और इसने नदिया तक भी चढ़ाई की, जो कि लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन कौन था, सेन वंश का शासक था, पाल वंश आया, पाल वंश के बाद सेन वंश, यानी सेन वंश के शासन काल में बिहार पर तुर्की शासन स्थापित हो गया। इसके बाद यह था तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के समय में इवाज यहां का जो शासक था, जिसको पराजित किया गया, यहाँ की जो देखरेख, मतलब कि यहाँ का जो
प्रमुख था वो हिसामुद्दीन इवाज था, इसको पराजित करके इस पर अधिकार किया और इजुद्दीन तुगरिल तुगान खां को, तो तुगरिल को यह क्षेत्र प्रदान किया। तुगलक काल में यानी कि आ गया कौन सा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में इसकी राजधानी बिहार शरीफ रही और इस समय सबसे प्रसिद्ध शासक था मलिक इब्राहिम जो मलिक बया के नाम से पॉपुलर है, मलिक बया के नाम से पॉपुलर है। अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 1398 ईस्वी में, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 1394 ईस्वी में 1394 में ख्वाजा जहां को यह क्षेत्र सौंपा जिसे सुल्तान उस्सर्क की उपाधि प्रदान हुई, सुल्तान उस्सर्क की उपाधि। तो ख्वाजा जहां को बिहार का क्षेत्र मिला किससे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आप लोग को पता है ना, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तुगलक वंश का अंत हो रहा था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक एक नासिरुद्दीन दूसरा है, नासिरुद्दीन महमूद है एक गुलाम वंश में, जिस पर कि तबकाते नासिरी पुस्तक लिखा था किसने? मिनहाज उस सिराज ने। आ एक यहाँ पर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है 1394 आ इसी के काल में 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। उससे पहले 1394 में 1394 में ख्वाजा जहां को बिहार का शासन प्रदान किया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने, जिसने सुल्तान उस्सर्क की उपाधि ली। सुल्तान उस्सर्क की उपाधि किसने लिया? ख्वाजा जहां ने। तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप 1398-99 में तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का जो क्षेत्र आ गया कहाँ? जौनपुर राज्य का अंग बना। जौनपुर में ही सरकी वंश की स्थापना हुई थी। सरकी वंश कहाँ से संबंधित है? जौनपुर से संबंधित है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सरकी वंश जो है, ये जो है ना सुल्तान सरकी वंश कहाँ संबंधित है? जौनपुर। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार किसी को नालंदा अभिलेख भी बोलते हैं, बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने, यानी कि अब तुगलक के बाद सैयद वंश उतना शक्तिशाली है ना, सैयद के बाद लोदी आए, तो सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित किया। यही हुसैन शाह सरकी जौनपुर का शासक, हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया। दरिया खान लोहानी के बाद बहार खान लोहानी था ना, उसके समय में वो फरीद को जो शेर खां की उपाधि दिया गया था। और बाद में देखिएगा इसी के समय में, देखिए जौनपुर जो था, जौनपुर का क्षेत्र, तो दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने 16वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के शासकों के साथ संधि की और संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के बीच में सीमा बना दिया। मुंगेर का क्षेत्र बंगाल बिहार के बीच सीमा हुआ किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय। पहले बंगाल का ही भाग है, बंगाल बिहार के बीच सीमा स्थापित हुए किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में। एकदम एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते चलिए, सिकंदर लोदी के समय में। और इसी कारण से मैं दो दो बार कर दे रहा हूँ कि पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। ये अपने से भी पढ़ने का चीज़ है, लेकिन वही होता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं तो साथ में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में आएंगी और उससे कोरिलेट करके अगर पढ़िएगा तो और अच्छे से दिमाग बैठेगा। तो मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच की सीमा रेखा तय किया गया किसके काल में? सिकंदर लोदी के काल में। तो सिकंदर लोदी ने 16वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के शासकों के साथ संधि किया, और बिहार और बंगाल की सीमा रेखा कहाँ तय किया? मुंगेर के क्षेत्र को। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, ये तो पता ही है, पानीपत का जो पहला युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा वाला क्षेत्र, मतलब वो उत्तर पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद अफगान सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार में स्वतंत्र शासन की स्थापना। यही जो मोहम्मद शाह नुहानी है इसी का वंशज है,
आगे आएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि 1526 में मोहम्मद शाह नूहानी ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो नूहानियों का जो शासन हुआ वो 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद हुआ। इससे पहले जो है दरिया खान नूहानी, ये केवल गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा। क्लियर? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1394 में ख्वाजा जहां को, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ख्वाजा जहां को बिहार का क्षेत्र प्राप्त हुआ और जिसे सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त हुई। तैमूर लंग के आक्रमण के समय चूंकि तुगलक वंश का विघटन हुआ तो जौनपुर राज्य का अंग बन गया बिहार। जौनपुर राज्य का, जौनपुर यानी यूपी, जौनपुर अब बंगाल से उठ के यूपी चला गया, यूपी का जौनपुर का बन गया। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खान नूहानी को बिहार में नियुक्त किया था। और सिकंदर लोदी के समय में ही मुंगेर बन गया, क्या, बिहार और बंगाल के बीच सीमा बन गया। और इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में मोहम्मद शाह नूहानी ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं ने 1532 में दौरा के युद्ध में नूहानी शासकों को पराजित किया था। दौरा के युद्ध में नूहानी शासकों को पराजित किया। और जब नूहानी शासन का पतन हुआ तब यहीं पर सुर साम्राज्य का उत्थान हुआ। नूहानी जब कमजोर हुए तो इसी में मौका मिला शेरशाह को कि शेरशाह जो है क्या किया, बंगाल बिहार का शासक बनने का अवसर इसे प्राप्त हुआ। बंगाल बिहार का शासक शेरशाह ने 1541 में पटना शहर की स्थापना की थी। ये पहले भी बता चुका, पटना पाटलिपुत्र पहले से था। पटना जो शहर आया वो शेरशाह सूरी के समय में आया 1541 में, 1541 में, ठीक है। तो यहाँ पर है नूहानी शक्ति के पतन के बाद शेरशाह सूरी का उदय हुआ। शेरशाह सूरी, सूर साम्राज्य कितना से कितना, 1540 से 1555, जिसमें 40 से 45 तक शेरशाह हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, बाद में शेर खां की उपाधि दी, तो हाँ शेर को मारने के कारण, तो वो तो सबको पता है। तो चलिए फरीद खां शेरशाह, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां है। सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था, हसन खां सूर का पुत्र था। हाँ, इसे दूसरा अफगान भी कहते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा अफगान क्यों कहते हैं? लोदी अफगान थे, लोदी पहले अफगान थे जिन्होंने शासन किया। आप लोगों ने पढ़ा है ना सल्तनत काल में गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो इसमें गुलाम खिलजी तुगलक सैयद तुर्क हैं, लोदी अफगान हैं। तो पहले अफगान जो भारत में शासन किया था वो लोदी थे। लोदी के बाद मुगल आ गए बाबर और हुमायूं के समय में फिर से अफगान शक्तिशाली हुआ, शेरशाह ने शासन की स्थापना की, इसीलिए इसको दूसरा अफगान कहते हैं, शेरशाह को दूसरा अफगान कहते हैं। इसे दूसरा अफगान भी कहा जाता है। बिहार का सुल्तान बहार खां, यही बहार खां नूहानी है, बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण फरीद को उसने शेर खां की उपाधि दी, अपने बेटे का संरक्षक बनाया, सेवा में रख लिया। और यहीं से जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी विधवा से विवाह कर लिया, दो विधवाओं से ये निकाह करता है। एक तो दुदू बेगम है, इसकी बेगम जो, हाँ अब वो अलग मैटर है शासन की। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इस्लाम धर्म में जो चलता है वो दूध का रिश्ता चलता है, खून का रिश्ता नहीं चलता है। तो दूध का रिश्ता चलता, एक माह से दूध नहीं पीना चाहिए, उसके बाद शादी विवाह सब होते हैं। तो ये एक अलग मैटर है, सबका अपना अपनी अपनी परंपरा है, अपना अपना कल्चर है। तो वो जो भी है वो रिलेशन नहीं देखना है कि कौन क्या था नहीं था। हाँ, लेकिन दो विधवाओं से विवाह करके ये ताकतवर हो गया। एक तो क्या, एक शक्तिशाली था जो चुनार का जो किलेदार था, वो उसकी जो बेगम थी लाड मलिका और एक दूधू बेगम, इन दोनों से विवाह करने के बाद इसे जो है बंगाल बिहार का क्षेत्र प्राप्त करने में सुविधा हो गई। तो बहार खां की शेर से रक्षा किया, इसको शेर खां की उपाधि मिली। इसका 1536 ईस्वी में
सूरजगढ़ा की लड़ाई में, सूरजगढ़ा की लड़ाई में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को हरा कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और 1537 में बंगाल पर भी अधिकार कर लिया, बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा, दो युद्ध है सबको पता है, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, चौसा के युद्ध में कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, तो चौसा के युद्ध में 1540 में बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में इसने क्या किया, हुमायूं को पराजित किया। अच्छा चौसा के युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था, उसकी जान एक भिस्ती ने बचाई थी। भिस्ती, भिस्ती पहले के जमाने में क्या होता था ना कि घर बनता था, आजकल तो बनता है, घर बनता है तो सीधे मोटर लगा देते हैं, पाइप से पानी पटा देते हैं। पहले के समय में क्या होता था, भिस्ती एक जाति होती थी, जब घर बनता था तो भिस्ती को बुलाया जाता था पानी डालने के लिए, और उसकी एक चमड़े की थैली होती थी पीठ पे, वो पानी लाला करके और उस पर डालता था, तो वही चमड़े की थैली होती थी भिस्ती के, तो यही जो चमड़े की थैली यानी कि भिस्ती के लिए वो चमड़ा का महत्व था। तो ऐसा हुआ कि चमड़े जो बोल रहे हैं वो जो जान रहे हैं तो अपने तक जानिए, ठीक है अभी फिर, तो हुआ क्या, चमड़े की चमड़े का थैली थैली महत्वपूर्ण था भिस्ती के लिए, तो भिस्ती की, भिस्ती ने जान बचाया किसकी, हुमायूं की। तो जब हुमायूं शासक बना तो उस भिस्ती को याद रखा था, उस भिस्ती को बुलाया, उसको एक दिन के लिए राजा बनाया, आइए भी एक दिन में क्या करेगा, तो चमड़ा का सिक्का चलाया, भिस्ती ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। तो वो ये चौसा के युद्ध की ही घटना है, चौसा बक्सर के पास है ना, बक्सर के पास चौसा है, तो 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं, इसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाह की उपाधि ली, पहले शेर खां था अब शेर शाह हो गया। एक्चुअली शाह जो पदवी है ना, ईरान के शासकों की पदवी है, शाह इज अ टाइटल ऑफ किंग इन पर्सिया इन ईरान, तो ईरान में शासक लोग शाह की पदवी लेते थे। तो यही जैसे कि बाबर जब शासक बना, तो बाबर जब शासक बना तो बोलता है कि हम पैर से ही, हम पैर से ही शासक हैं, यानी पादशाह टाइटल लिया था, यही पादशाह टाइटल बाद में बादशाह बन गया, तो बादशाह जो शब्द आया उसी से आया है। और सल्तनत के लिए हम लोग कर रहे थे कि सुल्तान की पदवी ली जाती थी खलीफा की परमिशन से, आफ्टर द परमिशन ऑफ खलीफा समवन बिकेम किंग दे वर कॉल्ड सुल्तान, उसको सुल्तान कहते थे, और इसीलिए सुल्तान के राज्य को सल्तनत कहा जाता था, और इसीलिए इसको सल्तनत काल कहा जाता है, सल्तनत काल कहने का वो मतलब है, ठीक है फटाफट इसको कीजिए। 1532 में दौरा के युद्ध में नुहानी शासकों को पराजित कर हुमायूं ने पराजित किया, हुमायूं ने 1532 में, 1530 में शासक बना, दो साल के बाद 32 में नुहानी शासकों को पराजित किया दौरा के युद्ध में, दौरा के युद्ध में दौरा दौरा के मारा, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद तब जब नुहानी ताकत कमजोर हो गई तब सूर साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि बनी, शेरशाह शक्तिशाली हुआ, फरीद खान यानी शेरशाह, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान, ये सासाराम के जागीरदार हसन खान सूर का पुत्र था, इसे दूसरा अफगान भी कहते हैं, और इसके समय में जो बिहार का सुल्तान था बहार खां, बहार खां नुहानी, उसी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। सूरजगढ़ा के युद्ध में शेरशाह ने बंगाल की सेना को हराकर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत की 1536 में, और 1537 में बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। चौसा में 1539 में, 1539 में इन द बैटल ऑफ चौसा, और 1540 में इन द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज इज ऑल्सो नॉन एज कन्नौज बैटल ऑफ बिलग्राम, और इस तरह से हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया, शाह की उपाधि ली और शेर खां से शेर शाह बन गया, शेर शाह बना 1540 में, 40 से 45 पांच साल तक शासन किया। उसके बाद कालिंजर के अभियान में एक उपकरण था, एक उपकरण था कौन, उक्का नामक आग्नेयास्त्र था, एक फायर इंस्ट्रूमेंट था उक्का, जिसका कि यूज करते हुए तोप टाइप का ही था, तो वो उसको ये कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, तो उससे गोला निकला, आगे जाकर टकरा के फिर वहीं आ गया, वहां बारूद का ढेर था, वहां आग लग गई, ठीक है, वो वही बोलते हैं जिस जो गड्ढा खोदा उसमें वही गिरा, तो उसी तरह से आग्नेयास्त्र, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब है
शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, किससे पता चलता है, तारीखे दाऊदी, एक पुस्तक है तारीखे दाऊदी, तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना के पटना में एक दुर्ग का निर्माण, एक फोर्ट का निर्माण करवाया और इसे पुनः बिहार की राजधानी बनाया, इसे पुनः बिहार की राजधानी बनाया। अब्दुल्ला ने पुस्तक की रचना की तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी किसके द्वारा लिखी गई, अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई और इसके अनुसार पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने, शेरशाह ने करवाया था और पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह का मकबरा सबको पता है, सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा, टॉम्ब ऑफ शेरशाह इन सासाराम, सासाराम में है। और जो बोला जाता है स्थापत्य कला का, आर्किटेक्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सिंबल है, नमूना है। और याद रखिएगा इसी के बारे में लेनपुल बोलता है, लेनपुल बोलता है कि यह ताजमहल से भी खूबसूरत है, तो इसके बारे में ताजमहल से भी खूबसूरत बोला जाता है। सासाराम गए होंगे तो देखे होंगे चारों ओर तालाब है, तालाब के बीच में मकबरा है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो अलग बात है कि अब बिहार सरकार कैसे उसको अभी खंडर है तो रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब कमाई तो हो रही है लेकिन रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। तो जाइए थोड़ा सा RTI वगैरह डालिए आप लोग सासाराम वाले, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, तो उसकी उसका संरक्षण संविधान भी बोलता है ना, आर्टिकल 49 क्या बोलता है, आर्टिकल 49 राज्य का कर्तव्य है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये राज्य का कर्तव्य है कि स्मारकों की रक्षा करना है, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, काहे कि वो जो है वो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना वो राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उस संरक्षण में कुछ मदद कर सकते हैं। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, सासाराम में है। अकबर ने 1574 में अफगान सरदार दाऊद खां करारानी, तो करामानी होता है, तो दाऊद खां करामानी या करारानी जो भी हो, दाऊद खां करामानी को हरा कर पटना नगर जीता था और मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। अकबर के समय में कितना सूबा था, 12 सूबा था, 3 नया सूबा इसने जीता था और 3 नया सूबा जीतकर उसमें मिलाया, जिसमें कि दक्षिण वाला भी है, अहमदनगर, खानदेश, और तो 3 सूबा नया जीत करके इसने क्या किया, इसको 15 कर दिया था, 12 से 15 हो गया था अकबर के समय में। अब 15 ही था जहांगीर के समय में, और शाहजहां ने क्या किया, इस 15 में 3 को बांट दिया, विभाजित कर दिया, तो 15 × 3 = 18 हो गया। और 2 नया क्षेत्र जो था, गोलकुंडा बीजापुर वाला उधर का दक्षिण का, ये जीत लिया था औरंगजेब ने, तो 18 × 2 = 20 हो गया। कुछ लोग वहीं पर मतलब कि 21 एक उधर सिंध साइड में उधर एक क्षेत्र मानते हैं, तो इसके समय में 21 मानते हैं, तो 20 या 21 सूबा जो था वो किसके समय, औरंगजेब के समय में था। तो शेरशाह के बाद आप देखते हैं अकबर आया, अकबर ने 1574 में 1574 में अकबर ने गुजरात जीता था, 1572 में शायद 71-72 है ना, गुजरात विजय के बाद वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, यहाँ 74 में है, यहाँ 74 में है, 1574 में 1574 में अफगान सरदार दाऊद खां करामानी को हरा कर पटना नगर जीता और मुगल साम्राज्य का एक सूबा बनाया, एक प्रांत का दर्जा दिया किसको, बिहार को। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। एक एक करके, हुमायूं तो कुछ कर नहीं सका, हुमायूं के समय में शेरशाह था, शेरशाह के पतन के बाद अकबर आया, अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने पराजित किया किसको, दाऊद खां करामानी को पराजित किया, किसने किया, अकबर ने। और जहांगीर ने क्या किया, राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया 1621 में, 1621 में, 1574 में, 1574 में अकबर ने दाऊद खां करामानी को पराजित किया और पटना नगर को जीता, और जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनाया। 1702 में औरंगजेब ने के पौत्र अजीम को, इसी के नाम पर अजीमाबाद है, अजीम को पौत्र, औरंगजेब का पोता अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया गया, उसने पटना को अजीमाबाद नाम देकर नवीनीकरण किया।
और इस नवीनीकरण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए। तो इसीलिए ये अजीमाबाद, पटना का एक नाम अजीमाबाद भी है, जो किसके पोता, औरंगजेब के पोता अजीम के नाम पर, अजीम के नाम पर, ठीक है। तो 1702 में औरंगजेब ने अजीम को, अपने पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। 1574 अकबर दाऊद खान करामानी उसको पराजित किया, पराजित करके पटना पर अधिकार किया, बिहार को अपना सूबा बनाया, प्रांत बनाया। इसके बाद जहांगीर ने परवेज को, राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया, और राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने 1702 में अपने पोता राजकुमार, ये जो अजीम को यहाँ का सूबेदार बनाया। अजीम के नाम पे ही अजीमाबाद शहर का नाम पड़ा और इसका नवीनीकरण कराया। फर्रुक सियर, यानी जब मुगलों का पतन हो रहा है, फर्रुक सियर प्रथम मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में फर्रुक सियर का राज्याभिषेक हुआ। फर्रुक सियर किसके बदौलत बना था शासक? सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु, सैयद बंधुओं ने इसे शासक बनाया था। जहांदार शाह को मार करके फर्रुक सियर को शासक बनाया गया। 1713 ईस्वी में पटना में, बिहार की राजधानी पटना में राज्याभिषेक हुआ था। किसका? फर्रुक सियर का राज्याभिषेक हुआ था, फर्रुक सियर का राज्याभिषेक हुआ था, क्लियर। फर्रुक सियर के बाद 1597 में रोहतासगढ़ का महल के महल का महल रोहतासगढ़ के महल का निर्माण रोहतासगढ़ के महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी के भावनों के अनुसार हुआ था। फतेहपुर सिकरी याद है? फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने, अकबर ने फतेहपुर सिकरी के ये महलों का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी में ही, फतेहपुर सिकरी को जो बसाया था अकबर ने, जो गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, और उसके बाद उसको उसमें कई महल बनवाया, कई महल बनवाया। तो रोहतासगढ़ का जो महल है वो फतेहपुर सिकरी के महल से ही, भवन से ही प्रेरित है। और पटना के समीप 1616 में मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? मनेर में। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा कब निर्मित हुआ? 1616 में। और यह बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो मनेर में 1616 में, 1597 में रोहतासगढ़ का महल, 1616 में मखदूम शाह दौलत का मकबरा, 1597 में रोहतासगढ़ का महल, रोहतासगढ़ का महल फतेहपुर सिकरी के भवन से प्रेरित है, और साथ ही साथ मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित हुआ मकबरा है मखदूम शाह दौलत का मकबरा, जो मनेर में है 1616 ईस्वी में। अली वर्दी खां बिहार बंगाल का शासक, बंगाल का नवाब, 1734 से 40 तक अजीमाबाद अर्थात पटना का नवाब था, अजीमाबाद अर्थात पटना का नवाब था। बिहार का अधिकांश भाग मध्यकाल में दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के अधीन रहा। मीडियवल पीरियड में देख ही रहे हैं कि ज्यादातर दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में रहा है। और 12वीं सदी में बिहार में आरंभिक सूफियों में मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। इमाम ताज फकीह ये क्या है? सूफी संत हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन जब पढ़ेंगे मुगल काल के अंतिम दौर में सूफी संत और भक्ति संत हुए, और सूफी संत में सूफी अनेक सिलसिला है, जब मुगल काल पढ़िएगा तो उसमें पढ़ेंगे भी हम लोग। तो उसी में ये है संत इमाम ताज फकीह। तो ये आरंभिक सूफियों में से एक हैं जिन्होंने जो मनेर में आकर के बस गए थे, मनेर में आकर बस गए थे 12वीं सदी में। और 13वीं सदी में सबसे लोकप्रिय जो हुआ फिरदौसी सिलसिला। एक्चुअली सूफी सिलसिला में, सूफी संप्रदाय में अनेक सिलसिले थे, अनेक भाग थे। उसी में आप देखिएगा कि सबसे जो पॉपुलर था वो था कौन? चिश्ती सिलसिला सबसे पॉपुलर था। चिश्ती के अलावा फिरदौसी है, फिर उसके बाद उसी में फिरदौसी के बाद नक्शबंदी भी है, औरंगजेब नक्शबंदी से संबंधित था, कादरी से संबंधित था, दारा सिको कादरी से संबंधित था। अब बिहार में पॉपुलर था फिरदौसी, तो फिरदौसी सूफी सिलसिला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था बिहार में 13वीं सदी में। एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, कौन सा सूफी सिलसिला बिहार क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिला। और इसके सबसे सर्वश्रेष्ठ संत हुए सरफुद्दीन याहिया मनेरी,
बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिला के थे? फिरदौसी सिलसिला के थे, फिरदौसी सिलसिला के थे। और इसकी दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ में है। सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ में है। ये किस सिलसिला संबंधित है? फिरदौसी सिलसिला संबंधित है। 13वीं सदी में सबसे लोकप्रिय सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला, सबसे लोकप्रिय सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला। क्लियर? तो याद रखेंगे रोहतासगढ़ का महल कब? 1597 रोहतासगढ़ का महल, और 1616 में मखदूम क्या? मखदूम शाह दौलत का मकबरा, मखदूम शाह दौलत का मकबरा, यह मुगल स्थापत्य कला को दर्शाता है। नेक्स्ट, अली वर्दी खान ने क्या किया? 1734 से 40 तक शासन किया बंगाल के क्षेत्र पर, यानी कि पटना के क्षेत्र पर, अजीमाबाद के क्षेत्र पर। और इसके बाद नहीं तो ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो सेंट्रल पावर में ही पूरा का पूरा मध्यकाल में बिहार रहा। सेंट्रल पावर मतलब मुगल सत्ता या सल्तनत सत्ता, तो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में ही बिहार रहा। और आरंभिक सूफियों में संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे, जो मनेर में आकर बस गए थे, पटना के मनेर में आकर बस गए थे। और 13वीं सदी में सबसे लोकप्रिय मतलब बिहार में जो लोकप्रिय सूफी सिलसिला था वो फिरदौसी सूफी सिलसिला था, जिसके सर्वश्रेष्ठ संत थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी। इसके बाद सिख गुरु तेग बहादुर ने सासाराम, पटना और बोधगया की यात्रा की थी। सासाराम, पटना और बोधगया की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? हाँ, सिख गुरु तेग बहादुर, सिख गुरु तेग बहादुर थे। तो इन्होंने क्या किया था? पटना, सासाराम और बोधगया की यात्रा की। 26 दिसंबर 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है, शाहजहां की मृत्यु होती है, और इसी समय 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ वो 1666 में हुआ। जिस साल से शाहजहां मरा उस साल गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 26 दिसंबर 1666। 26 दिसंबर को जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव, इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिएगा तो उसमें पूरा पटना साहिब जो है वो पूरा सजा हुआ रहता है। हाँ, लंगर वगैरह में खाने का अलग ही मजा रहता है। तो वर्तमान में इस स्थान पर 109 फीट ऊंचा 7 मंजिला भवन निर्मित है, वही पटना साहिब में ना, तो 109 फीट ऊंचा 7 मंजिला भवन निर्मित है। इस पवित्रतम गुरुद्वारे को तख्त श्री हरमिंदर जी कहा जाता है, तख्त श्री हरमिंदर जी कहा जाता है। तख्त श्री हरमिंदर जी कहाँ? पटना साहिब, पटना साहिब। 109 फीट ऊंचा यह 7 मंजिला भवन है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, 26 दिसंबर 1666। 26 दिसंबर, अच्छा 26 दिसंबर को ही ना एक कोई घटना हुई थी ना, 26 दिसंबर भी तो है, 26 ही, अच्छा 26 नवंबर है, अच्छा ये 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को भुज में भूकंप आया था, मतलब उधर जो 26 जनवरी को आया था, एक दिन कुछ है उसी में, चलिए ठीक है। 26 दिसंबर 1666, हाँ फैक्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, बार 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 पढ़िए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि कन्फ्यूजन होता है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है अच्छी बात है। अब रिवीजन करना शुरू कीजिए, रिवीजन कीजिएगा तब सिलेक्शन होगा, तो पहले कन्फ्यूजन होना भी जरूरी है, क्या कन्फ्यूजन होगा तब ना वो दूर होगा। अब याद किसको करते हैं? जिसको भूल जाते हैं उसको ना, तो ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन तब होगा जब आपने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है तो अच्छी बात है, कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ, अब कन्फ्यूजन दूर होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बार बार रिवीजन करना है, कब? 26 दिसंबर 1666 को 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, पटना में हुआ, और इनके पवित्रतम गुरुद्वारे, ये इनका जन्म जहाँ हुआ वहाँ जो गुरुद्वारा बना है उसको तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहा जाता है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब। अच्छा बिहार से पता है, बिहार से अंग्रेज लोग जो आए थे, यूरोपीय आए थे, यहाँ से सोरा प्राप्त करते थे, और सोरा से बारूद बनता है, बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता था। तो बिहार सोरा व्यापार हेतु प्रसिद्ध था, डच व्यापारियों के प्रभुत्व में था, ये डच के अंडर में था, डचों के अंदर में
सोडा व्यापार के लिए बिहार प्रसिद्ध था। 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित थी। 1632 यानी शाहजहां का टाइम है ना, 1627 में शाहजहां शासक बना था, तो 1632 में शाहजहां के समय में डच फैक्ट्री स्थापित हुआ था। कहां पर? पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। सोडा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम पहली फैक्ट्री स्थापित अंग्रेजों ने की थी। कब? 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। और 1664 से 1680-81 तक जॉब चारनाक पटना फैक्ट्री का प्रधान था। यही जॉब चारनाक जिसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1698 में, 1698 में। कालीकाता, सूतीनाता, गोविंदपुर तीन शहर था, तीनों को मिला करके कलकत्ता शहर की स्थापना किया था जॉब चारनाक ने। और जॉब चारनाक क्या था? तो पटना के फैक्ट्री का प्रधान था 1664 से 1680-81 तक। नहीं, सबसे पहले डचों ने स्थापित किया था बिहार में, बिहार में सोडा के लिए। कौन? 1632। हाँ ठीक तो है। तो 1632 में तो ये डच फैक्ट्री स्थापित किया गया ना, और डच फैक्ट्री 1632 में। अच्छा, ये 1620 में अंग्रेजों ने भी स्थापित किया, ये डच फैक्ट्री स्थापित किया। और अच्छा, प्रथम फैक्ट्री तब हो जाएगा अंग्रेज फैक्ट्री, मतलब सोडा के व्यापार का लाभ उठाने के लिए पहली फैक्ट्री 1620 में अंग्रेज फैक्ट्री है। और डच फैक्ट्री जो है, डच फैक्ट्री 1632। देखिए, व्यापार पहले से करता था लेकिन अपना व्यापारिक केंद्र नहीं स्थापित किया। अगर पूछेगा ना व्यापारिक केंद्र, व्यापार व्यापार करने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो डच थे बिहार के साथ। और पहला फैक्ट्री स्थापित करने वाला तो वो अंग्रेज हुए। अच्छा, पिछली बार क्वेश्चन था कि प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था डच ने, किया था डच ने। ठीक है, उसको देख लिया जाएगा एक बार ईस्वी सन को लेकर के थोड़ा सा ये रहेगा। तो ठीक है, आलमगंज में, ये याद रखिएगा कि जो आप पटना कॉलेज आ जाए, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित किया गया था, आलमगंज में ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और 1664 से 1680-81 तक, ये शायद ईस्वी सन में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि मुझे भी याद है कि डच फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो भारत में बिहार में सबसे पहले डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, हाँ, इसके बाद यहाँ देखिए 1664 से है ना, तो 1664 से 1680 तक जॉब चारनाक रहा था, इसका प्रधान रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, वो एकाद थोड़ा सा उसमें डाउट, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। डच ठीक है कि डच फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले हुई थी, डच फैक्ट्री है कहाँ पर? पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, पटना कॉलेज के इमारत के उत्तरी भाग में। अब छब्बीस दिसंबर सुनामी, हाँ सुनामी 26 दिसंबर है, भुज का भूकंप 26 जनवरी है, और उसके बाद जो है 26 नवंबर को वो आतंकवादी घटना है ना। हाँ चलिए ठीक है, ये 26 बड़ा डेंजर है। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां, बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां, ये शाइस्ता खां 1680 में, ये शाइस्ता खां पता है, यही शाइस्ता खां था, गया था शिवाजी को भी पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी रास्ते में अटैक कर दिया, वहां से भाग के चला आया शाइस्ता खां। ठीक है, तो बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1680 में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिया, अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5। ये 1680 की घटना है। अच्छा, 1680 की घटना, अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स लग रहा था, यही टैक्स 1717 में समाप्त हो गया, फर्रुखसियर के समय में। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने हेतु निःशुल्क व्यापार पत्र दस्तक प्रदान किया, एक शाही आदेश के द्वारा। शाही आदेश जो रॉयल ऑर्डर होता है ना, उसी को बोलते हैं फरमान। एक फरमान के माध्यम से, फरमान मतलब, फरमान कोई लेटर नहीं था, फरमान का मतलब वो आदेश। तो फरमान के जरिए, आदेश के जरिए क्या किया, आदेश के जरिए निःशुल्क व्यापार पत्र दिया। जो निःशुल्क व्यापार पत्र है उसको कहते हैं दस्तक। इसी दस्तक का अंग्रेज बाद में दुरुपयोग करने लगे, तो दस्तक प्रदान किया। क्यों प्रदान किया था पता है ना? तो एक्चुअली उसकी तबीयत खराब थी, उसका इलाज किया था। सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दल आया था,
और वही जो डॉक्टर लोग इलाज किया था एलोपैथ से पहली बार ज्ञान हुआ, और तब उसी से खुश होकर के क्या किया कि बोला कि टैक्स फ्री, बिहार बंगाल टैक्स फ्री, जाओ व्यापार करो। अपने तो दस्तक लेकर काम कर ही रहा था, बाद में यही दस्तक भारत के व्यापारियों को भी ये बेचने लगे, यानी दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। जो जाना चाहिए था नवाब को, जो जाना चाहिए था बादशाह को, मुगल बादशाह को, वो अंग्रेज को जाने लगा था। और इसीलिए क्या किया गया था, तो उसका विरोध किया गया था। पलासी के युद्ध में 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, पराजित किया सिराजुद्दौला को, नवाब बनाया। ये तो मॉडर्न में भी हम लोग पढ़ेंगे। और मीरन, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने, मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया, गवर्नर बनाया गया इसको, बंगाल का गवर्नर बनाया गया मीर जाफर को, और बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, उप नवाब बनाया गया मीरन को, जो मीर जाफर का पुत्र था। इसी ने हत्या कर दी थी ना सिराजुद्दौला की। तो बिहार में वास्तविक सत्ता, लेकिन ये नवाब तो बना, लेकिन वास्तविक सत्ता था नाजिम राजा राम नारायण के हाथ में था। जो नाजिम था, नाजिम नायब, नाजिम नायब, नाजिम मतलब कि ये एक तरह से हो गया कि जो सेनापति कहिए, तो यहाँ का जो था वो उसको मिला राजा राम नारायण, इसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। अली गौहर, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में, अली गौहर क्या नाम था, किसका नाम था अली गौहर बताएं आप लोगों, आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। अली गौहर ने 1760 में पटना का घेरा डाला, किंतु कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उसे मार भगाया। सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद, यही आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय को ही अली गौहर भी बोलते हैं। मृत्यु के बाद अली गौहर का राज्याभिषेक अंग्रेजों, हाँ ठीक है ठीक है, वही बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना, अली गौहर क्या था, अली गौहर पहले सेनापति था, उसमें आलमगीर द्वितीय शासक है, आलमगीर द्वितीय के बाद आया शाह आलम, अली गौहर शाह आलम द्वितीय का नाम था, तो शाह आलम द्वितीय का नाम था। अली गौहर ने 1760 में पटना का घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में, कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने इसको भगा दिया। तब जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई तो यही अली गौहर क्या बन गया, ये शासक बना, और इसके राज्याभिषेक अंग्रेजों की फैक्ट्री पटना में किया गया था, पटना में, अच्छा अंग्रेजों की फैक्ट्री पटना में इसका राज्याभिषेक किया गया था, किसका, अली गौहर का, अली गौहर का। अली गौहर तो फिर यही जो शाह आलम द्वितीय है, ये अंग्रेजों के पेंशन पर जी रहा था। असल में उस संधि के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके बाद अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने हेतु बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बसाया, मुंगेर में बसाया। सबको कहानी पता है, मुंगेर में बसाया इसी कारण से, वो इसीलिए कि अंग्रेजों की स्थिति मजबूत थी, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत थी मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, कलकत्ता में, इसीलिए उसने क्या किया कि मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया, और यहीं पर सेना का गठन करने लगा, मुंगेर में सेना का गठन करने लगा, जिसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना, कंबाइंड आर्मी ऑफ ऑल दीज थ्री, तीनों की कंबाइंड सेना डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुआ था। अच्छा इसी में मुनरो था ना, मुनरो नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था एक सेना का, और इसी समय पहली बार सैनिकों ने विद्रोह किया था, बोला कि बादशाह पर, बादशाह पर यानी कि ये नवाब पर, नवाब जो मीर कासिम है उसके ऊपर हम लोग बंदूक नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। तो पहली बार सेना ने जो विद्रोह किया था 1764 के बक्सर युद्ध के समय में किया था, जब सैनिकों ने इनकार कर दिया था युद्ध लड़ने से हेक्टर मुनरो के विरुद्ध। जब हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे ना, तो 1857 का विद्रोह पहला सैनिक विद्रोह नहीं था, 1857 के विद्रोह के बारे में बोला जाता है कि पहला सैनिक विद्रोह, पहला नागरिक विद्रोह। एक्चुअली उसके बारे में एक व्यक्ति कहता है, क्या जो स्टेटमेंट है वीर दामोदर सावरकर का कथन है कि वह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, आ इसी को आरसी मजुमदार कहता है कि ना तो यह प्रथम था, ना तो यह राष्ट्रीय था, ना तो यह स्वतंत्रता संघर्ष था।
तो उसी में है कि पहला जो विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो इसी समय हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय, जब हेक्टर मुंडो की सेना का एक टुकड़ी ने नवाब पर हमला करने से, युद्ध करने से इनकार कर दिया। हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने पराजित किया संयुक्त सेना को, कंबाइंड आर्मी जो थी किसकी, मीर कासिम की, फिर शुजाउद्दौला की और शाह आलम द्वितीय की, तीनों की संयुक्त सेना को। 1764-65 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन सा? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में, जो इलाहाबाद की संधि थी, इलाहाबाद की संधि, पता है दो संधि हुई थी, पता है ना? अब ये इलाहाबाद में दो संधि हुई थी, अच्छा तीन संधि हुई थी। देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। यहां दो पर्सन है, एक है कौन, अवध का नवाब, दूसरा कौन है, मुगल बादशाह। तो इससे कुछ क्षेत्र इसको दे दिलवा दिया और उसका बोला हम ही ने दिलवाया है अवला, तो कुछ इस तरह की संधि हुई। तो संधि इसीलिए किया गया कि पहले बता दिया कि मुगल बादशाह पूरे इंडिया का शासक है, उसको मिलना चाहिए, दे दो। अब मुगल बादशाह को बोला कि आपको तो हमने दिलवाया ना, लाइए। तो कुछ इसी तरह की संधि थी, तो इसीलिए दोनों संधि किया गया। कि तो अंग्रेज बहुत तेज थे और इसीलिए इतना दिन तक शासन भी किए, अभी भी कुछ अंग्रेज हैं भारत में। चलिए 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज मतलब क्या, व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग को देश से मतलब नहीं है, उसको अपने लाभ से मतलब है, तो अभी भी बहुत सारे व्यापारी लोग हैं जो। चलिए आगे देखिए, तो 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी अधिकार किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1770 ईस्वी में बिहार के अकाल का पटना, भागलपुर और दरभंगा जिला में सबसे अधिक प्रभाव रहा। इसी समय पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया था। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था, 1770 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उससे पहले 1770, और इसी के अध्यक्ष बने थे जेम्स अलेक्जेंडर। लगान मतलब लगान, रेंट काउंसिल, लगान मतलब टैक्स कलेक्शन करने वाले, क्या नहीं अकाल, नहीं अकाल के लिए ही, तो अकाल के लिए, अकाल की समीक्षा करने के लिए एक परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, जिसको कि लगान परिषद बोला गया था। तो लगान परिषद था का गठन किया कि लगान कितना वसूला जाएगा, अकाल पड़ा है तो अब लगान वसूलिएगा तो स्वाभाविक सी बात है, मरे हुए को और मारना है, तो इसी कारण से तो एक लगान परिषद बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर, और सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क और जेम्स वेंसी टॉट याद है, वेंसी टॉट बाद में 1772 नहीं, वो वेंसी टॉट अलग है, हाँ वेंसी टॉट, तो वेंसी टॉट जो है ना बंगाल के गवर्नर में एक वेंसी टॉट, हाँ उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद वेंसी टॉट 1760-65 तक है। चलिए तो 1770 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा, और इस अकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ कहाँ था, पटना, भागलपुर, दरभंगा जिला, ये भी याद रखिएगा, यानी कि ये उत्तर वाला एरिया हो गया ना, पटना, भागलपुर, दरभंगा, नहीं दक्षिण वाला, तो पटना भागलपुर दरभंगा, यानी अब इसका मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि हाँ गंगा से इधर से इस साइड में हो गया, यानी कि ऐसे हो गया इस तरह से ना, नहीं दरभंगा तो ऊपर है, दरभंगा ऊपर, पटना यहाँ है, भागलपुर यहाँ है, ये ट्रायंगल बना रहा, हाँ ठीक है। तो पटना, भागलपुर और दरभंगा जिला में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा अकाल का, और इसी समय पटना में एक लगान परिषद बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेंसी टॉट, इसके अन्य सदस्य थे। क्लियर। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1774 में, इसीलिए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का लागू हुआ 1774 में, इसीलिए ना पूछता है क्वेश्चन कि
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ होने के बाद बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। एक प्रांतीय सभा, एक प्रोविंशियल असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर बिहार आफ्टर पासिंग रेगुलेटिंग एक्ट इन 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा बनी बिहार के लिए, प्रोविंशियल असेंबली बना। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। तो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बने? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। 1774 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा बनी और पहले मजिस्ट्रेट, अंग्रेज मजिस्ट्रेट बने चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन, पता है, इस्लाम के अंतर्गत सुधारवादी आंदोलन है जो इस्लामिक कुरीतियों, हालांकि वहाबी आंदोलन बाद में देखिएगा ये अंग्रेजों के विरुद्ध भी होता है, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध भी ये मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रहे, लेकिन इनका मूल उद्देश्य ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं था। इनका मूल उद्देश्य था इस्लाम के अंतर्गत सुधार करना, जो कमियां आ जा रही है उन कमियों को दूर करना, तो एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में था। तो सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन के, मतलब भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, और बरेलवी बरेली के थे, रायबरेली के, उत्तर प्रदेश के थे, जो 1821 ईस्वी में पटना आए थे, 1821 में पटना आए थे, और पटना में वहाबी आंदोलन का, पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। तो पटना इस आंदोलन का केंद्र बना 1821 में, जब सैयद अहमद बरेलवी भारत, ये बिहार आए थे, पटना आए थे, और सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, और वहाबी आंदोलन इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन का भी विरोध किया था। जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो उससे पहले नागरिक विद्रोह में हम लोग वहाबी आंदोलन को भी पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के पूर्व के जो नागरिक विद्रोह 1863 ईस्वी में अम्बेला अभियान से बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ। अम्बेला अभियान से बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ। अंग्रेजों ने इसको दबाया, चूंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध जब हो गए तो फिर इसका दमन किया गया। मौलवी विलायत अली वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली, जबकि इसके प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद बरेलवी, लेकिन विलायत अली जो है वो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता है बिहार में। वहाबी आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा पटना में चार खलीफा नियुक्त हुए। तो पटना में चार खलीफा नियुक्त हुए, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। तो वहाबी आंदोलन के अंतर्गत चार खलीफा नियुक्त हुए पटना में बरेलवी के द्वारा। किनके द्वारा? ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। और इसी में से जो वहाबी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व करता थे विलायत अली। तो विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन, ये चार हैं जो चार खलीफा नियुक्त हुए वहाबी आंदोलन के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा बिहार का क्षेत्र जनजातीय आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है। और जनजातीय आंदोलन में चूंकि बिहार झारखंड का क्षेत्र इसमें प्रमुखता से है, और इसमें अनेक जनजातीय आंदोलन हुए थे जिसमें संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, आप जो लास्ट में हम लोग देखते हैं उलगुलान जो हुआ था, मुंडा विद्रोह। तो इसमें देखिएगा संथाल विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे चांद और भैरव। किसके थे? संथाल विद्रोह के चांद और भैरव भागलपुर के समीप शहीद हुए चांद और भैरव। किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो चांद और भैरव। 1857 के विद्रोह का आरंभ पटना सिटी में हुआ था, गुरहट्टा मोहल्ले से
और एक पुस्तक विक्रेता थे, कौन? पीर अली। पीर अली मेंस में खूब पढ़ते हैं इसके बारे में, के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 ऐसे शुरुआत जो होती है वो कब से होती है? 9 मई से। भाई 10 मई की घटना है तो 10 मई 9 मई पे ही पृष्ठभूमि बन गई थी। एक्चुअली 9 मई को कुछ सैनिकों के ऊपर मुकदमा चला था और उस मुकदमा चला था उसको सजा दी गई। 10 मई को उसी में से कुछ लोगों ने माफी मांग लिया और 10 मई को रात में जो माफी मांगे वो लोग जाके बाकी को छुड़ा लिए और छुड़ा करके अब बाकी जो अपने ऑफिसर्स थे उनको मार दिया और वहां से वो लोग पहुंच गए दिल्ली। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचे तो वहां पर दिल्ली की सेना भी शामिल हो गई। यहां हुआ कब? जुलाई में। ये कहने का अर्थ है कि वहां मई में हुआ था, 9, 10, 11 मई को वहां प्रारंभ हुआ और यहां पहुंचा जुलाई में, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के द्वारा। पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता थे। इस विद्रोह में बिहार में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल अपने सैनिकों सहित मारा गया। तो अफीम का व्यापार का एजेंट था लॉयल, जो अपने सैनिक सहित मारा गया। कमिश्नर टेलर ने ही दबाया था, टेलर ने ही यहां दबाया था। हालांकि यहां विद्रोह का नेतृत्व करता मुख्य रूप से सबको पता कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के थे ना। तो कमिश्नर टेलर द्वारा पटना सिटी के विद्रोह का दमन किया गया और पीर अली के घर को पूर्णतः नष्ट कर दिया कर 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई तथा खाजे कला थाना में के दरोगा को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जिसकी वजह से तो कमिश्नर टेलर जो है इस विद्रोह का दमन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कमिश्नर टेलर की। पटना सिटी के विद्रोह का दमन किया, पीर अली के घर को नष्ट कर दिया, 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई और खाजे कला थाना के दरोगा को स्थानांतरित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। कब? 25 जुलाई 1857 को। नहीं, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू, नहीं, चांद और भैरव है संथाल से, सिद्धू कानू भी है। चार भाई थे और सिद्धू कानू और चांद भैरव। हाँ, फूलों और तो वो तो आप लोग संथाल विद्रोह में पढ़ते हैं, मेंस के स्तर पर पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबका नाम नहीं दिया हुआ था ना, ठीक है, उसको याद रखिएगा। चांद, भैरव, सिद्धू कानू, ये चार लोग थे और वो फूलों और झानू जो थे ना, वो दो बहन थी, चार भाई थे और उन लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। क्योंकि संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, क्या हो गया, बंद हो गया क्या? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दानापुर के तीन रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट ने सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था, सैनिक विद्रोह किया। और यही रेजिमेंट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिल गए और फिर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर हमला कर दिया, ट्रेजरी पर हमला कर दिया आरा को मुक्त कराने में। नहीं, वो दूसरा चीज है। एक्चुअली वो पटना और आरा का जो संबंध था तो वहाँ ऑप्शन में आरा भी था, आरा था ऑप्शन में और पटना भी था। देखिए, तो वो तो गलत था, मतलब कि पटना जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो गलत, इसीलिए एक्चुअली वहाँ क्या था ना, ओवरऑल विद्रोह का नेतृत्व जो पटना से किया था वो कुंवर सिंह किया था उसी संदर्भ में। तो वो छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन में मत जाइए, वो सब एक्सेप्शनली है। अब चूंकि अब इम्तियाज अहमद सर ऐसा ये कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी लोगों को, लेकिन वो मध्यकालीन भारत में है, ये आधुनिक भारत है तो हम लोग आधुनिक पढ़ेंगे, ये आरा नगर ही पढ़ेंगे, आरा है। लेकिन वो बात नहीं है, मारना क्या है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आरा भी पटना का ही एक भाग था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पटना माना गया। अब चूंकि किसी टीचर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये आरा, ये पटना है,
तो अब स्वाभाविक सी बात वो अपने बात से अडिग रह गए, तो अडिग रह गए तो स्वाभाविक सी बात है बोर्ड को भी ये को भी कमीशन को भी मानना पड़ा। लेकिन अगर क्षेत्र पूछेगा किस क्षेत्र से हुआ तो वो हो जाएगा। हाँ, अगर वहां पर जिला पूछता है तो जिला आरा नहीं था, जिला सारण नहीं होगा, जिला पटना ही होगा, क्योंकि उसमें पटना के अंतर्गत ही था। तो इसीलिए इस ये में चलिए, तो आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर कब्जा कर लिया गया। आरा को मुक्त कराने में दानापुर के कैप्टन डनवर, कैप्टन डनवर आया था, डनवर जो मारा गया। और उसके बाद 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। टेलर ने दबाया कहां, पीर अली को, पीर अली को। और जब यहां पर यहां कैप्टन डनवर मारा गया और उसके बाद कुंवर सिंह और मेजर आयर के बीच युद्ध हुआ, और इसमें बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ और कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। कुंवर सिंह ने दिसंबर 1857 में रीवा में देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय करने का प्रयास किया था, और एक तरह से देखा जाए तो मदद लेने का प्रयास किया पड़ोसी राज्यों से। तो ये जाते हैं रीवा, वहां पर नाना साहब से मिलते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को ये पराजित करते हैं, और यही कारण है कि इनको, हाँ, ये महान हो गए। क्या हुआ? तो ये, हाँ, महान इसी संदर्भ में कहा कि एट लास्ट तो क्या हुआ कि मारे गए, युद्ध में मारे गए। लेकिन इसके बावजूद देखिए, जब कुंवर सिंह का योगदान पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 1857 का विद्रोह जब पढ़िएगा तो आखिर विद्रोह जो हुआ, ये विद्रोह जब किया कुंवर सिंह ने या किसी ने भी किया तो उसे व्यापक जनसमर्थन नहीं मिला था। और व्यापक जनसमर्थन नहीं मिलने का कारण कि जमींदार थे, इनकी जमींदारी चली गई थी इसीलिए बौखला रहे थे। वास्तविकता तो यही है, तो वास्तविकता यही है। तो जो भी नेतृत्व करता है उनका निजी स्वार्थ ज्यादा था, पर्सनल जो मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा था, वह कहीं भी ये नहीं कि भारत को स्वतंत्र कराना है, बिहार को स्वतंत्र कराना है, मेन है कि सबकी रोजी रोटी खत्म हो गई थी इसीलिए विद्रोह किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। बलिया के समीप अंग्रेजों को हराने के बाद जगदीशपुर लौटने के क्रम में इसको कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए ठीक है, कल इसको खत्म करते हैं, या नहीं तो पहले कुंवर सिंह का योगदान तो देख लेते हैं। हाँ, देखिए इसके बाद के क्रम को नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। तो बलिया के समीप अंग्रेजों को हराने के बाद जगदीशपुर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित किया, किंतु इसी में कुंवर सिंह घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु, जीत तो गए लेकिन जो है, हाँ, जीवित नहीं रहे, सेना को पराजित किया था। और उसके बाद कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का उसका भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया, सबको पता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। पीर अली हो गया पटना सिटी, कुंवर सिंह हो गए आरा। और इसमें याद रखिएगा, दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की और ये पहुंच गए कहां, कुंवर सिंह के पास। कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह, और छपरा में नेतृत्व किया था किसने, मोहम्मद हुसैन खान ने। बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण मिशन, चलिए 1906 के बाद की घटना को नेक्स्ट क्लास में करते हैं।